morning, everyone. Am I audible? Am I audible? ठीक है, चलिए. Any doubt from the previous class? Any doubt you have from the previous class? कल की क्लास में से कोई भी डाउट हो तो बताइए. PDF. अच्छा PDF, हाँ ठीक है, वो शेयर कर देंगे. ठीक है, PDF शेयर कर देंगे. एनीथिंग एल्स? ये आप रिमाइंड करा दीजिए, ऐसा होता है ना, बाई चांस अगर स्किप हो गया दिमाग से तो आप रिमाइंड करा दीजिएगा. ठीक है, आज दोनों PDF शेयर कर देंगे. अच्छा ये बताइए कि कौन सी जो चेन होती है दैट इज मोर डोमिनेंट, ग्रेजिंग चेन या फिर डेट्रिटस चेन फूड चेन में, विच इज मोर डोमिनेंट, ग्रेजिंग चेन या डेट्रिटस फूड चेन? ठीक है, वेरी गुड. चलिए, द बायोम्स एग्जिस्ट ओनली ऑन इन द टेरिस्टेरियल रीजन, ट्रू और फॉल्स? द बायोम्स एग्जिस्ट ओनली इन द टेरिस्टेरियल रीजन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ठीक है, वेरी गुड. इसका मतलब कल हमने ठीक से समझ लिया था. ठीक है, कल हमने ठीक से समझ लिया था. चलिए, वो वाला वीडियो देखा कल आपने, अपडेट एक साइक्लोन के ऊपर वीडियो डाला था, देखा आपने कल? हाँ, साइक्लोन के टॉटी के ऊपर एक डाला था. हाँ, तो उसमें कम ने क्या बताया था, गुजरात में लैंडफॉल होते ही साइक्लोन वीक हो जाएगा, कल बताया था. आज की न्यूज, मॉर्निंग न्यूज यही है, साइक्लोन इंटेंसिटी बिकम्स लो द मूवमेंट इट रीच्ड गुजरात. ठीक है, यही है न्यूज में, यही आया आज. अगर आपने देखा होगा अभी देख लेना. क्यों? क्योंकि इट इज वेरी क्लियर कि हम जो फिनोमिना समझते हैं उस वो अपने कंसेप्ट के हिसाब से ही चलेगा. ठीक है, और यूपीएससी प्रिपरेशन में यही आपको अंदाजा लगाना है, फैक्ट्स पे नहीं जाना है, अपना एनालिसिस इसी लेवल पे करना है कि अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा. ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा, यही एनालिसिस है. हम लोग सोचते हैं ना कि हाउ टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स, हमारे दिमाग में हमेशा आता है सवाल हाउ टू डेवलप. वही है जो आपने जो भी पढ़ा है उसको लिंक करिए, जो भी पढ़ा है उसको लिंक करिए. इसलिए हमें पता नहीं क्यों बहुत अंदर से क्वेश्चन ये लग रहा है कि जो क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. प्री में बहुत बार आ चुका है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी में दिस क्वेश्चन हैज कम्स एन नंबर ऑफ टाइम्स. ये आपने देखा होगा, हम भी आपको दिखाएंगे. मतलब 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो हो सकता है द साइक्लोन फॉर्मेशन और द इवेंट्स ऑफ साइक्लोनिक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन इंडिया और द वर्ल्ड इज ऑल्सो अफेक्टेड. ये हम देख भी रहे हैं, पहले साइक्लोन बे ऑफ बंगाल की तरफ आते थे, अब अरेबियन सी की तरफ ज्यादा आने लग गए हैं. अदरवाइज हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते थे हम यही पढ़ते थे कि साइक्लोन अरेबियन सी में, इंडिया में स्पेशली वेस्टर्न कोस्ट में पहुंचने के लिए बहुत रेयरली पहुंचता है, बहुत रेयरली पहुंचता है. हम लोगों ने पढ़ा भी था, लेकिन पिछले 2 साल में 2 बार आ चुका है. ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, ऐसे लिंक करना होता है. दिस इज हाउ वी हैव टू लिंक. वेरी गुड. सो टुडे वील बिगिन विद द लेक्चर 2 ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. चलिए, कल आपको मैं बायोम बताया था, रिमेंबर, बायोम के बारे में बताया था. याद है क्या होता है बायोम? ऐसे कुछ ऐसे हमने आपको बताया था, कुछ 5-6 रिलेशन समझाए थे. यहां होता है इंडिविजुअल, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम और सबसे बड़ा बायोस्फेयर. है ना, ये हमने बताया था, बायोस्फेयर, बायोम, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल. ठीक है, बायोम एक वो एरिया होता है जो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे के हिसाब से इट में शो अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेट्स. ये भी हम लोगों ने कल समझा था. ठीक है, ये भी हम लोगों ने कल समझा था, याद है? है ना. वेरी गुड. तो यही हमने समझा, तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे.
ठीक है, आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छी तो मार्केटिंग है, थोड़ी सी मार्केटिंग कर लेते हैं। ऑप्शनल बैच शुरू हो रहा है 1 जून से, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर ले, ठीक है। अब टी शर्ट तो है नहीं हमारे पास पहनने के लिए, तो हम ऐसी मार्केटिंग कर देते हैं, है ना। हमें मैनेजमेंट हाँ जी विजिबल है, हो सकता है हमने वो ही गाइस व्हाट्सएप पर नाम लिया, उन्होंने एल्गोरिथम से हमारा नेटवर्क कम करा दिया। ऐसे बहुत हुआ है, अगर आप जैसे ऑनलाइन क्लासेस में बात करते करते वर्ड है न्यूक्लियर, अगर आप न्यूक्लियर वर्ड बोलते हैं तो हैंग हो जाती है, स्पेशली अगर आप गूगल मीट पर क्लास ले रहे हैं, ये कभी नोट करिएगा, ठीक है। हैंग हो जाता है, मे बी बिकॉज ऑफ देयर एल्गोरिथम, की कोई ऑफेंसिव वर्ड ना यूज हो, ठीक है, तो हैंग हो जाता है। तो रीड करता है, अच्छा तो पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत चीजें होती हैं ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। हाँ, अगर आप डेजर्ट में जाके बोले, डेजर्ट में जाके बोले कि अरे देखो, अब एक चीज बोलते हैं ना, हाँ मैं आसमानों की ऊंचाई, मेरे चारों ओर बादल ही बादल, है ना। ऐसी डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या है, मेरे चारों ओर डेजर्ट ही डेजर्ट है ना। वहां पे अगर आपको हेलुसिनेशन होता है, कार्टून में देखा है हेलुसिनेशन होता है तो दिखता है ऐसे स्विमिंग पूल बना हुआ है, वो सिर्फ कार्टून में क्यों होता है, बिकॉज दैट इज देयर इमेजिनेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता। बायोम जो है वहां पे एक ही तरीके की चीज मिलेगी, यही है, क्यों, बिकॉज आप बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेजिटेशन, डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेजिटेशन। आप मतलब ऐसा नहीं है कि वहां जाके बोलोगे नहीं थोड़ा और दिखाइए, बायो में ऐसे नहीं बोल सकता नहीं मजा सा नहीं आ रहा और टाइप के पेड़ दिखाइए, वहां ऐसा नहीं हो सकता, वहां आपके पास चॉइस नहीं है, ओके। क्योंकि हम कभी मन नहीं सोचते हैं कितना अच्छा होता डेजर्ट की तरह ओपन स्पेस होता, यहाँ पे पानी वानी भी बढ़िया होता, स्विमिंग पूल वगैरह भी होता, है ना। क्यों, क्यों, क्योंकि ये वेजिटेशन की क्लैरिटी है। अब बहुत अच्छे समझिएगा कि जो बायोम होता है, इट इज बिगर यूनिट देन अ कम्युनिटी, ठीक है, इट इज बिगर यूनिट देन अ कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी जो है छोटे एरिया में होता, एंड जो बायोम है इट इज स्प्रेड इन द ग्रेटर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि बायोम एक छोटे से स्पेस में स्पेसिफाइड होगा, यू कैन आइडेंटिफाई अ बायोम ऑन द वेरियस एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। जैसे डेजर्ट बायोम कहां मिलेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे इंडिया में डेजर्ट बायोम मिलता है, नहीं, देयर कैन बी सो मेनी प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड डेजर्ट बायोम, है ना, ऐसा हो सकता है ना। सिमिलरली इक्विटोरियल फॉरेस्ट, देयर कैन बी सो मेनी एरियाज वेयर यू कैन फाइंड इक्विटोरियल फॉरेस्ट, तो ये इट इज स्प्रेड ओवर ग्रेटर रीजन। Now, biome jo hai, it is based upon the life form of the most important plants, jo uski special characteristic hote hain, theek hai, yahan wo plant aur animal jo wahan par hai unke upar depend nahi karta biome, biome mein ek life form hoti hai jahan par sabse kuch plant species hoti hai, aap animal species ke basis pe biome nahi bata sakte hain, theek hai, kabhi suna hai aisa lion biome, aisa suna hai kabhi लायन बायोम, क्रोकोडाइल बायोम, ऐसा तो नहीं सुना हमने, नहीं, क्यों, क्योंकि बायोम आर ओनली स्पेसिफाइड बाय द प्लांट स्पीशीज, ये हमने कल भी बताया था आपको, ठीक है, ये चीज हमने कल भी बताई थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी द अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स, क्योंकि काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ज्योग्राफी से है कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से है, लेकिन आपको कंफ्यूज क्यों रखना है, हम दोनों बार पढ़ा देंगे,
ज्योग्राफी में भी हो सकता है ज्योग्राफी वाली फैकल्टी पढ़ा दें, हम पढ़ा देंगे, अच्छी बात है, दो बार रिवाइज हो जाएगा, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ज्योग्राफी वाले बोलते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ना है, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले बोलते हैं ज्योग्राफी पढ़ना है, दोनों जगह मिस हो जाता है। इसलिए बढ़िया बात, दोनों जगह पढ़ो। सो एक बायोम की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम, जैसे अगर आप ये वाली इमेज देखते हैं, ये वाली इमेज देखते हैं, एक डिफरेंट टाइप टुंड्रा बायोम है, ठीक है, ये आपके पोलर एरियाज में मिलेगा, या फिर ये डेजर्ट बायोम है, जो आप अगर आप देखेंगे तो ट्रॉपिकल एरियाज या इक्वेटोरियल एरियाज के आसपास ज्यादा मिलेगा, ठीक है। रेन फॉरेस्ट है, ये हमेशा इक्वेटर के आसपास मिलेगी। ये सब जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन फैक्टर्स, एंड व्हाट आर दोस फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ दोस फैक्टर इज सनलाइट। सनलाइट एक बहुत यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आप यहां पर हैं, ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, तो कोई ड्रॉइंग पैसन वो नहीं करेगा, ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आप यहां से यहां जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी कि बढ़ेगी? आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी कि कम होगी, बताइए। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स, बायोडाइवर्सिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज? If you go from equator towards poles, biodiversity will increase or decrease? Decrease. Why? Because of two factors. ठीक है, because of two factors. अभी हम पढ़ रहे हैं biomes, तो हम लोग vegetation के हिसाब से देखेंगे, vegetation के two factors पे depend करेगा। पहला, that the sunlight ऐसा नहीं है ना, ये तो आपने शायद पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए ज्योग्राफी थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी होता है, कि पूरे ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ऐसे सनलाइट मिलती है पूरे अर्थ पे, आप यहां भी बैठे तो भी बराबर सनलाइट आ रही है, यहां भी बैठे तो भी बराबर सनलाइट आ रही है, ऐसा तो नहीं है, है ना। क्योंकि आप कहोगे आपने अर्थ ही गलत बनाई है, अर्थ तो ऐसे होती है ना, आप कैसे बराबर मिल जाएगी, यहां पे ज्यादा है यहां पे कम है ना, क्यों? क्योंकि सनलाइट इज नॉट स्प्रेड ऑल ओवर द ग्लोब इन अ यूनिफॉर्म मैनर, इट वेरीज, एंड व्हेन इट इज वेरिंग द स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट इज वेरिंग, इट मींस द एनर्जी इज ऑल्सो वेरिंग। सिंपल वाले, दुनिया में सबसे बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन, ठीक है। आप लोग दूसरा सब लोग अलग अलग सोच रहे, कोई सोच रहा अच्छा हमें तो लगा बोतल में आती है, कोई हमें तो लगा पुड़िया में आती है ना, नहीं, सबसे सोर्स ऑफ एनर्जी होती है सनलाइट। दुनिया में हर चीज सनलाइट पे डिपेंड करता है, इसलिए आपने देखा होगा कि इन मोस्ट ऑफ द रिलीजन सन इज रेवर्ड एंड रिस्पेक्टेड, ठीक है, सन इज रेवर्ड एंड रिस्पेक्टेड, व्हाई? बिकॉज ऑफ द एनर्जी। और जब एनर्जी जहां ज्यादा होगी वहां ज्यादा लोग होंगे, जहां एनर्जी कम होगी वहां कम लोग होंगे, सिंपल और अच्छे समझने का तरीका। अच्छा, भीड़ कहाँ होती है? प्लेन एरियाज में ज्यादा भीड़ होती है, हिली एरियाज में ज्यादा भीड़ होती है, प्लेन एरियाज में होती है ना, प्लेन एरियाज में ज्यादा, हिली में कम होती है। तो इसी से याद रखना कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बायोडाइवर्सिटी कम होती रहेगी, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बायोडाइवर्सिटी कम होती रहेगी, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड पे कम रहती है। दूसरा है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आप बोलोगे अच्छा रेनफॉल, हम बोलेंगे नहीं, प्रेसिपिटेशन है ना, आप बोलोगे रेनफॉल, हम बोलेंगे नहीं प्रेसिपिटेशन, क्यों भैया? स्नोफॉल भी तो हो सकता है ना, स्नोफॉल भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है रेन ही फॉल करे, स्नो भी तो फॉल कर सकती है। आप बोलो लेकिन आई तो लाइक रेन बिकॉज आई लाइक वॉकिंग इन रेन सो दैट नो वन कैन सी माय टियर, है ना, लेकिन इट इज अबाउट प्रेसिपिटेशन, इट इज अबाउट प्रेसिपिटेशन। ये क्या डिपेंड करेगा? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और प्लांट को ग्रो करने के लिए सिंपल बात, बचपन में सुना था, फोटोसिंथेसिस या कुछ भी हो, प्लांट को दो चीजें चाहिए होती है, सनलाइट और वाटर, है ना, सुना है, ये सुना है कि नहीं सुना है? प्लांट्स को दो चीजें चाहिए होती है, सनलाइट वाटर एंड न्यूट्रिशन इन द अर्थ, या जो न्यूट्रिशन फ्रॉम द रीजन वेयर इट इज सोर्स, है ना। तो इसीलिए प्रेसिपिटेशन इज द सेकेंड फैक्टर।
प्रेसिपिटेशन इज द सेकेंड फैक्टर. तो आपका बायोम इन दो चीजों पे डिपेंड करता है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये इसलिए हम फोकस कर रहे हैं, अगर हम एक्वेटिक में जाएंगे, एक्वेटिक में ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी. एक्वेटिक में अगर आप दिमाग लगाओ, अच्छा सनलाइट अर्थ पे, पानी में जाओगे, पानी में सनलाइट तो ऑब्वियसली नीचे जाओगे कम हो जाएगी, है कि नहीं? पानी में नीचे जाओगे तो ऑब्वियसली सनलाइट कम हो जाएगी, एक लिमिटेड रीजन तक जाएगी, इसको बोलेंगे फोटिक जोन. तो ये फैक्टर सिर्फ टेरेस्ट्रियल के लिए है, बहुत अच्छे समझिएगा. कल आपको हमने बताया था बायोम इज ओनली फॉर टेरेस्ट्रियल. प्रेसिपिटेशन, पानी में बारिश हो रही है, फर्क पड़ेगा कुछ? ओशन में हो, ठीक है, आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हो और बारिश हो रही है, ओह बारिश होगी भीग जाएंगे चलो अंदर चलते हैं, कभी ऐसा हुआ? स्विमिंग पूल में नहाते हुए बारिश हो रही, भीग जाएंगे अंदर चलते हैं? नहीं, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट एक्वाटिक सिस्टम. इसीलिए फॉर अ बायोम टू फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन. आर वी क्लियर? ये याद हो गया, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि बायोम्स किससे इन्फ्लुएंस होते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना, बायोम मतलब टेरेस्ट्रियल, है ना, बायोम मतलब टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल मतलब सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन. अच्छा क्वेश्चन ये आएगा, बायोम आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड, ट्रू और फॉल्स? बायोम्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड, ट्रू और फॉल्स? True or false? True. अरे latitude ना, तभी तो sunlight refer कर, differ करेगी. एक latitude पे, ये भी हमने पढ़ा ना, एक latitude पे sunlight almost same रहती है, ठीक है? Very good. अब चलते हैं आगे. अब कितने टाइप के बायोम होते हैं ये पढ़िए, कितने टाइप के बायोम होते हैं. तो पहला होता है टुंड्रा बायोम, दूसरा होता है डेजर्ट बायोम, तो लिखा हुआ ये डेजर्ट बायोम, तीसरा होता है फॉरेस्ट बायोम. फॉरेस्ट बायोम कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, इक्वेटोरियल, रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है. आप बोलोगे हमने तो बहुत टाइप के पढ़े, हमने ड्राई डेसिडुअस भी पढ़ा है, मॉइस्ट डेसिडुअस भी पढ़ा, वो ज्योग्राफी में, ठीक है, वो ज्योग्राफी, वो फॉरेस्ट टाइप्स है. यहाँ पे हम फॉरेस्ट बायोम टाइप्स पढ़ रहे हैं. फिर होता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं टाइगा, ठीक है, टुंड्रा एंड टाइगा, कंफ्यूजन बहुत रहता है. टुंड्रा मतलब बहुत ठंड, ठीक है, टाइगा मतलब कॉनिफेरस फॉरेस्ट, मतलब इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती है, जहां पे पाइन ट्रीज होते हैं वो कॉनिफेरस रीजन. देन देयर इज ग्रासलैंड बायोम, देन देयर इज सवाना, जिनको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं. फिर होता है मेडिटेरेनियन एंड लिटोरल. दीज आर द टाइप्स ऑफ बायोम्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ बायोम्स. इन बायोम्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ओके, ठीक है, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं. पहले हम शुरुआत करेंगे टुंड्रा बायोम से. टुंड्रा बायोम कहाँ मिलेंगे? हाई लैटिट्यूड्स पर. हाई लैटिट्यूड है, हाई लैटिट्यूड पे इसका मतलब बहुत अच्छे समझिएगा, सनलाइट कम होगी, है ना, है ना, है ना, हाई लैटिट्यूड पर सनलाइट कम होगी. और प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो, है ना, रेनफॉल तो नहीं होगी, प्रेसिपिटेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो. कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर होगा, सनलाइट कम होगी, एंड प्रेसिपिटेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो. इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी वेजिटेशन है उसकी, जो वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ लिमिट हो जाएगी, वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ लिमिट हो जाएगी, है ना. कभी आपने देखा होगा, सिंपल चीज देखिए, अगर दिमाग लगाते हैं, माउंटेन देखिए, स्नो कवर्ड माउंटेन देखिए, स्नो कवर्ड माउंटेन देखिए, कितने पेड़ होते हैं उस माउंटेन पे जब स्नो कवर्ड होती है पूरी, उसमें इतने नहीं होंगे, लेकिन आप थोड़ा हिमाचल रीजन की तरफ जाएंगे, वहां पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं माउंटेन पे, है ना, बहुत सारे ट्रीज होते हैं माउंटेन पे. व्हाई? बिकॉज लेस सनलाइट, लेस सनलाइट एंड लेस प्रेसिपिटेशन लिमिट दी ग्रोथ, ठीक है. अब इसमें कौन कौन से मिलेंगे? लाइकन्स मिलते हैं, स्पेशली लाइकन्स जो है आपको टुंड्रा बायोम में मिलेंगे, लाइकन्स, ठीक है, लाइकन्स आपको टुंड्रा बायोम में मिलेगा. स्पीशीज कौन सी मिलेगी? रेनडियर मिलेगा, मस्क, लेमिंग्स, आर्टिक हेयर, आर्टिक फॉक्स, वुल्फ एंड
बियर्स, ठीक है, पोलर बियर पर्टिकुलरली, ब्राउन बियर नहीं पोलर बियर, तो ये आपको टुंड्रा बायोम में मिलेंगे। टुंड्रा बायोम कहां पे स्प्रेड है? इट इज स्प्रेड ऑन दी बोथ द साइड्स ऑफ पोलर ऑफ बोथ द पोल्स ऑफ अर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑन द नॉर्थ पोल ऑल्सो एंड साउथ पोल ऑल्सो, ठीक है। दिस इज द टुंड्रा बायोम। इंडिया में टुंड्रा बायोम है कि नहीं है कहीं पर? क्या पहाड़ तो बहुत है इंडिया में, लेकिन टुंड्रा बायोम है कि नहीं है इंडिया में? बताओ इंडिया में टुंड्रा बायोम है कि नहीं? बेटा मैप देखो, मैप में इंडिया कहाँ दिख रहा है? ये रहा, यहाँ ब्लू ब्लू दिख रहा है कुछ मैप में? ब्लू ब्लू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ है ना, अब समझे कैसे गलती होती है पेपर्स में। हाँ मैप में ब्लू ब्लू दिख रहा है, बस जब ब्लू नहीं दिख रहा तो नहीं है। अच्छा इंडिया में वो है पोलर बेयर है इंडिया में? नहीं है ना, कुछ तो रीजन होगा कि इंडिया पोलर बेयर नहीं है। आओ एक और ज्ञान की बात बताते हैं। अच्छा आर्कटिक और अच्छा एंटार्कटिक रीजन में पोलर बेयर होते कि नहीं होते? एंटार्कटिक रीजन में पोलर बेयर होते कि नहीं होते? एंटार्कटिक रीजन में पोलर बेयर होते कि नहीं होते? बताइए, अब समझो। आर्कटिक का मतलब एक सिनोनिम पोलर बेयर से भी रिलेटेड होता है, ठीक है, उनको आर्कटिक बेयर भी बोलते हैं। एंटार्कटिक मतलब जहां पर आर्कटिक बेयर नहीं होंगे वो एंटार्कटिक रीजन होंगे। एंटार्कटिक में पोलर बेयर, एंटार्कटिक जहां पर आर्कटिक बेयर नहीं अवेलेबल होंगे उसी को एंटार्कटिक रीजन बोलते हैं। इसलिए एंटार्कटिका में पोलर बेयर हो ही नहीं सकता। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि अगर पोलर बेयर को भूख लगे तो पेंगुइन्स को क्यों नहीं खाता है, क्योंकि जहां पेंगुइन होंगे पोलर बेयर हो ही नहीं सकता। समझे? समझ में आया? वेरी गुड। एनवायरमेंट इकोलॉजी कुछ मस्त मस्त चीजें हैं, बहुत तुमको मस्त मस्त चीजें बताते रहेंगे। हाँ जी डेजर्ट बायोम। अब ये कहोगे इंडिया में डेजर्ट बायोम तो है, कैसे पता? दिख रहा है, रंग रखा है हमने गेरुआ, है ना, क्योंकि यहाँ नहीं तो पूरे में रंगो गेरुआ, तो लेकिन डेजर्ट बायोम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ और नहीं, ठीक है, वी आर रिप्रेजेंटिंग डेजर्ट बायोम, ठीक है। ये तो क्लियर है इंडिया में डेजर्ट है क्योंकि दिख तो रहा है, ये तो अखंड भारत में भी है, थार डेजर्ट है ना, इधर थार डेजर्ट है। समझ में आ रहा है? डेजर्ट बायोम। डेजर्ट बायोम क्या होता है? ये उस एरिया में लोकेटेड होता है जहां पर हॉट एरिड एरिया होता है, जहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है एंड कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ सिस्टम होता है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ सिस्टम होता है। नाउ डेजर्ट में जरूरी नहीं है कि सिर्फ हॉट हो, डेजर्ट में कोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, डेजर्ट में कोल्ड भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लाइक वी हैव कोल्ड डेजर्ट्स, लद्दाख हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया, दीज आर दी कोल्ड डेजर्ट्स। इसमें क्या होगा, जो स्पीशीज है वो 60% ही एफर्मल होंगी, ठीक है, 60% होगी, यानी कि जब गर्मी होती है तो वो दे विल लूज देयर लाइफ, यानी कि उनकी जो लाइफ टाइम होती है बहुत कम होती है। जो भी डेजर्ट एरियाज में प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है या फिर बहुत ज्यादा होती है जहां पर वो
60% टाइम बिना वाटर के सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होते हैं एंड इवन स्पेसिंग होती है प्लांट स्पीशीज। व्हाई? बिकॉज देयर रूट्स आर वेरी डीप, स्पीशीज कौन मिलेंगे वहां पर? स्मॉल स्पीशीज मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखें, यूपीएससी क्वेश्चन है, डेजर्ट में स्मॉल स्पीशीज क्यों मिलते हैं? डेजर्ट में स्मॉल स्पीशीज क्यों मिलते हैं? ये बहुत यूपीएससी क्वेश्चन है, आपको हम दिखाते भी है, रुको, कि डेजर्ट में स्मॉल स्पीशीज मिलते हैं। अभी मिल नहीं रहा है, जब मिलेगा तो आपको शेयर करेंगे, लेकिन दो बार आ चुका है वाला क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड ट्वाइस। चलिए, तो डेजर्ट बायोम समझ में आ गया है, डेजर्ट बायोम समझ में आ गया आपको, ठीक है, यस नो, वेरी गुड। अब आते हैं फॉरेस्ट बायोम। फॉरेस्ट बायोम क्या होता है? फॉरेस्ट की एक डेफिनेशन होती है, वेयर द ट्रीज हैव अ पर्टिकुलर लेंथ, ठीक है, ट्रीज हैव अ पर्टिकुलर लेंथ। अब इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट कहां मिलेंगे? एज द नेम सजेस्ट, इट वुड बी फाउंड close to the equator, ठीक है? तो अगर आपको पता करना हो equatorial rainforest कहाँ है, तो it will be found close to the equator। अच्छा भी ये बताओ, इंडिया में equatorial rainforest है कि नहीं? इंडिया में equatorial rainforest है कि नहीं बताओ? नहीं, क्यों? क्योंकि
क्योंकि ये इक्वेटर के पास मिलती हैं, है ना। ओहो, ये तो इंडिया सा लग रहा है। ओहो, है ना, इक्वेटर के पास मिलती है, इक्वेटर पर नहीं मिलती है, समझे। एंड फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के लिए इक्वेटर इज नॉट द कंडीशन, द रेनफॉल एंड सनलाइट। भूल गए क्या बताया था, बायोम के लिए कंडीशन लैटिट्यूड नहीं, सनलाइट एंड रेनफॉल, याद है, प्रेसिपिटेशन। कह तो चीटिंग है ना, ये तो चीटिंग है। तो बेटा एनवायरमेंट इकोलॉजी है, ज्योग्राफी नहीं है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, ज्योग्राफी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, यहां पर एवरेज टेम्परेचर 20 to 25 एंड एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर, यानी कि 2000 मिलीमीटर, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी एंड एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री होगा, तो वहां पर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। देखो यहाँ पे हमने जो लिखा था वो भी नहीं पढ़ा, इंडो मलाय पेनिनसुला, है ना, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है कि नहीं है, है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, ओके 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 ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा धीरे धीरे, है ना। तो इनकी क्या होता है, डेंस होती है, प्रोलिफिक ग्रोथ, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं, एक्सट्रीमली डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना, एक्सट्रीमली डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना। अच्छा एक मस्त चीज बताओ, कौन सी फॉरेस्ट में जो सॉइल है ज्यादा फर्टाइल होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या फिर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में, कौन सी फॉरेस्ट में सॉइल जो है ज्यादा फर्टाइल होगा, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, बताइए। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, कहां पर सॉइल ज्यादा फर्टाइल होगा, चलो और दूसरी चीज बताते हैं, दूसरी चीज बताते हैं, किसके पास ज्यादा पैसा होगा, ठीक है, किसके पास ज्यादा पैसा होगा, दोनों भाई हैं, ठीक है, दोनों, अब सॉइल है, सॉइल तो अर्थ ने पहले एक से ही बनाया होगा ना, सॉइल ने अर्थ, वो अर्थ पे सॉइल तो पहले शुरुआत तो एक सी हुई होगी, धीरे धीरे तो चेंज हुआ है विद मिलियन ऑफ इयर्स, है ना, मिलियन ऑफ इयर्स। हाँ अब वही बता रहे हैं, याद करने का तरीका बता रहे हैं, आपको आपके घर में बराबर पॉकेट मनी दी, कितनी मांग रहे हो, 2000 रुपए दे दिए, ठीक है, 2000 रुपए दे दिए, अब आपने उसमें से 100 रुपीज खर्च करे, आपके भाई ने उसमें से 1200 रुपीज खर्च करे, तो किसके बैंक में ज्यादा पैसे बचे होंगे, आपके या क्या आपके भाई के, बताओ किसके उसमें ज्यादा पैसे बचोगे, आपके अकाउंट में, आपके भाई के अकाउंट में, डेफिनेटली आपके अकाउंट में, क्योंकि आपके भाई ने तो उस पैसे को खर्च कर दिया। ऐसे ही इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट में कम बचा है ना सॉइल में फर्टिलिटी, क्यों, क्योंकि ट्रीज ने सारी ले तो ली अपने न्यूट्रिशन के लिए, ट्रीज ने सारी निकाल तो रहा है धीरे धीरे, है ना, और ट्रीज की लाइफ ज्यादा होती है, तो डिग्रेडेशन सॉइल में जो रिकॉम्बिनेशन दोबारा हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्टिलिटी का, या फिर जो मैन्योर का या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कम है कंपेरेटिव टू अदर एरिया, क्यों, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दे आर नॉट कंटिन्यूस, वो दे शेड देयर लीव्स अलोंग विद टाइम, साल में एक बार सॉइल को न्यूट्रिशन दोबारा देते हैं, है ना, है ना, है ना, तो यानी के विच सॉइल इज मोर फर्टाइल, ट्रॉपिकल, डेफिनेटली नॉट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का सॉइल, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। ये फॉरेस्ट बायोम है, आप देख लीजिए, दिस इज दी फॉरेस्ट बायोम, ये कहां स्प्रेड है ये आ जाता है, फिर डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट वाली फॉरेस्ट होती है जहां पर इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज लेस, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ
rainfall is less. That is, it is between 50 to 150 centimeter. यहाँ पे रेनफॉल कम होती 50 टू 150 सेंटीमीटर. इंडिया में सबसे ज्यादा डोमिनेंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. देख रहे हो पूरे इंडिया में लगभग आपको दिख जाएंगे. ठीक है, इंडिया में भी दिख जाएंगे. दिस इज द डेसिडुअस फॉरेस्ट. फिर आता है बोरियल और टाइगा. बोरियल और टाइगा यानी कि कॉनिफरस. इंडिया में कॉनिफरस फॉरेस्ट है कि नहीं है? कॉनिफरस पाइन ट्रीज मिलते हैं इंडिया में कि नहीं मिलते हैं? पाइन ट्रीज मिलते हैं इंडिया में कि नहीं मिलते हैं? हाँ, लेकिन वो टाइगर रीजन नहीं है. ठीक है, वो टाइगर रीजन नहीं है. दैट इज द कॉनिफरस फॉरेस्ट बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द टाइगर बायोम. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ हमने तो देखे कॉनिफर पाइन ट्री, हमने तो देखे हैं, फोटो भी खिंचवाई उनके आगे, लेकिन That is not the part of taiga biome. ठीक है, बोरियल और टाइगा कहाँ मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका में और यूरेशिया में, टुंड्रा के नीचे. ठीक है, टुंड्रा के नीचे. समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? देखिए, जो हम ये पढ़ रहे हैं दैट इज लैटिट्यूड स्पेसिफिक ऑन द बेसिस ऑफ सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन. Latitude specific sunlight and precipitation. India में जो है, जो different type of forest है, it is because of the altitude. और वो ही जो same चीज़ है, वो ज़रूरी नहीं कि उसी altitude पे दूसरी जगह भी मिले. इसीलिए tiger is not available in India. Okay? Confused नहीं होना है? ये नहीं पूछते हैं generally कि बताओ कहाँ कहाँ है. ठीक है? बताओ कहाँ कहाँ है? Basic understanding पूछेंगे, उस हिसाब से हम question करेंगे. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना. ग्रासलैंड क्या होता है? जो दूर दूर तक देखा सिर्फ ग्रासलैंड. ऐसा देखा पिक्चरों में? देखा हाँ, पिक्चरों में देखा. विंडोज का आइकन देखा है? जो विंडोज लैपटॉप जब आते थे एक्सेल में, जो स्क्रीन सेवर हुआ करता था, ग्रीन कलर चारों ओर, ग्रीन कलर. It is nothing but grassland. बस घास ही घास दूर दूर तक, कुछ नहीं दिखेगा. That is the grassland biome. जिसमें prairies of North America, ये याद कर लेना, UPSC में पूछ लेते हैं कि North America के जो grasslands हैं उनको क्या बोलेंगे? Prairies. Eurasia के को बोलेंगे steppes. South America के बोलेंगे pampas. South Africa को बोलेंगे veld. Australia में downs. एंड न्यूजीलैंड में कैंटीबरी. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, यूरेशिया स्टेपीज, साउथ अमेरिका पेम्पस, वेल्ट इन साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कैंटीबरी ऑफ न्यूजीलैंड. दीज आर द नेम ऑफ द डिफरेंट ग्रासलैंड्स. ये याद रखना है. फिर से हम देखेंगे, अगर हम मैप देख लेते, रुको, ये कौन से हो गए? प्रेरीज. ये कौन से हो गए? स्टेपीज. ठीक है, ये हो गए स्टेपीज. ये कौन से हो गए? वेल्ट्स. ये कौन से हो गए? डाउन्स. ठीक है, कौन से हो गए? डाउन. और ये लास्ट पेम्पस. दिस इज कॉल्ड एज पेम्पस. These are the different grasslands of the world. ठीक है, एक पिक्चर क्रिएट हो गई है दिमाग में. पिक्चर क्रिएट हो गई है, कौन सा क्या है? वेरी गुड. फिर आता है आपका सवाना. सवाना होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. क्या होगा? अभी तो ग्रासलैंड पढ़ा था, है ना? अभी तो ग्रासलैंड पढ़ा था, दोबारा ग्रासलैंड. ठीक है, जंगल सफारी देखिए कभी. जंगल सफारी ऐसे जो है, लायन देखने जा रहे हैं लोग अफ्रीका में. देखा होगा वीडियो में देखा होगा. तो उसमें आपने देखा है ग्रासलैंड है, उस ग्रासलैंड में कभी कभी कुछ ट्रीज भी होते हैं बीच में. ठीक है, सिर्फ दूर दूर तक ग्रास नहीं होता, लेकिन ग्रासेस है, लेकिन बीच में ट्रीज भी है.
दैट इज सवाना ग्रासलैंड, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और इंडिया में मिलता है, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, यहां पर ग्रासेस हैं, लेकिन सिर्फ ग्रासेस नहीं है, स्मॉल ट्रीज भी होते हैं, ठीक है, स्मॉल ट्रीज भी होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सवाना ग्रासलैंड। सवाना ग्रासलैंड में विंटर्स आर ड्राई एंड द समर्स आर वेट, ठीक है, विंटर्स आर ड्राई एंड समर्स आर वेट, ये सवाना ग्रासलैंड है। फिर आता है मेडिटेरियन बायोम। मेडिटेरियन बायोम होता है 30 to 45 degree नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। इनका सबसे बढ़िया आइडेंटिफिकेशन क्या है, मेडिटेरियन में ड्राई ड्राई समर होगी एंड वेट विंटर होगी। इन द मेडिटेरियन बायोम ड्राई समर मतलब गर्मियों में बारिश नहीं होती है एंड वेट ड्राई समर एंड वेट विंटर, ये मेडिटेरियन उसका बायोम का बहुत स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है। मेडिटेरियन बायोम में क्या सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है, याद करने का तरीका, मेडिटेरियन कहाँ कहाँ होगा बेटा, वाइन कहाँ कहाँ की फेमस है, बस वही वही मेडिटेरियन होता है। ये ग्रेप्स की जो है, हाँ भी ग्रेप्स की फार्मिंग होगी वहां पर मेडिटेरियन टेम्परेचर वो या फिर मेडिटेरियन बायोम में ही होती है। अब आप वाइन आपके ऊपर देख लो कहाँ कहाँ की वाइन फेमस है, ठीक है, वहां वहां मेडिटेरियन बायोम है। ओके, ये मेडिटेरियन बायोम, ठीक है, यूरोप में यहाँ की वाइन फेमस है, यहाँ यहाँ मेडिटेरियन बायोम, ठीक, क्या वो फेमस तो इंडिया की भी थी हमने सुना था, लेकिन वो मेडिटेरियन बायोम नहीं, इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है बस। बायोम में कुछ समझ में आया, टेरिस्ट्रियल उसमें कुछ समझ में आया, या हम हाथ उठा चुके हैं अपने कि हमसे नहीं हो पाएगा, बताओ, टेरिस्ट्रियल टेरिस्ट्रियल में समझ में आया, यस नो, हमें को मतलब देख लो एक बार खुद से, कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। हाँ, कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताइए। देखो आपको हम क्वेश्चन भेज रहे हैं, इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन भेज रहे हैं, इसका आंसर बताइए विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन द इकोसिस्टम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाय अदर्स। बताइए, वेरी गुड, हाँ बताओ, कितने कितने आदमियों को खाते देखा है आज तक, बताओ, रिश्तेदार घर पर बुलाया, बोले क्या है आज क्या बनाया खाने में, क्या डिपेंड करेगा आप कौन सा पार्ट दोगे बॉडी का, है ऐसा सुना है,
अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशी, क्या ये सही हो सकता है? फूड चेन इज फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशी, क्या सही हो सकता है? एक स्पीशी अब खुद को खाती है, रेयरली होता है, एक्सेप्शन होते हैं वो तो बहुत ज्यादा, है ना? तो सी तो बिल्कुल गलत, बी भी गलत, और वन सही है, द ऑर्डर इन विच चेन ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर, फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड गलत क्यों है? फूड चेन में नंबर थोड़ी पड़ा था, कितने लोगों ने कितनों को खाया, कोई डेटा थोड़ी होता है फूड चेन में, है? कभी देखा है लायन जो है भाग रहा है डियर के पीछे, डियर को खाया, पहले मारा, फिर एक डायरी निकाल के नोट कर रहा है, चलो आज का एक डियर हो गया, ऐसा सुना है कभी, देखा है कभी ऐसा? लायन ऐसे नोटपैड लेके चल रहा है, या फिर ऐसे टैब आईपैड लेके रख रहा है, उसमें अपडेट कर रहा है, और नोटिफिकेशन उनके जो है लायन फैमिली में नोटिफिकेशन आ रहा है कि जो है बड़े लायन ने एक जो है मार दिया है, कॉम्पिटिशन चला, ऐसा देखा कभी नंबर में काउंट करते हैं? तो थर्ड भी रॉन्ग हो गया, है ना? अब ये बताओ, कुछ मुश्किल था इसमें क्वेश्चन में? बस ये पता होना चाहिए फूड चेन क्या है, ये पता होना चाहिए बस फूड चेन क्या है, ठीक है? ओहो, तो क्वेश्चन मिल गया, ये देखते हैं आप, देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, मतलब हम दिखा रहे हैं आपको। ओ माय गॉड, एनवायरनमेंट से भी टारगेट रख, देखो स्पीशी वगैरह आ गई तो हमारे हम लोगों के बस के बाहर है, अगर स्पीशी आ गई कोई पेपर में, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो गलत करने ही नहीं है। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन, आपको डाउट भी था ना इक्वेटोरियल में, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन आवर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन्स फॉर्मिंग अ कंटीन्यूअस कैनोपी, दूसरा कोएग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, presence of numerous varieties of epiphytes, presence of numerous varieties of epiphytes, epiphytes कल की क्लास में बताया था, याद है? कल की क्लास में epiphytes के बारे में बताया था, याद है? बेल, पेड़ों के ऊपर बेल जो लग जाती है ना, जो सहारे से ऊपर चढ़ती है, हाँ बताओ इसका आंसर, अब बताओ। हमने बोला ज्योग्राफी क्वेश्चन ना पूछें, कहाँ मिलता है, कैसा मिलता है, ये सब नहीं, सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। आप अपने आप को इमेजिन करो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, आप चले गए फॉरेस्ट में, क्या आपको लंबे लंबे ट्रीज दिखेंगे? कह रहा हम तो कभी गए ही नहीं, ठीक है, अमेजोन फॉरेस्ट तो देखी होंगी वीडियोज में कभी पे, है ना? वेरी गुड, लंबे पेड़ मिलेंगे, आसपास मिलते हैं, और ऊपर जो पेड़ होते हैं ऐसा होता है कि ऊपर से सनलाइट ही नहीं आ रही है, पूरी एक छत जैसी बना लेते हैं, है ना, है ना, है ना? अरे पेड़ के नीचे तभी तो छांव होती है फॉरेस्ट रीजन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, बहुत सारी स्पीशीज इक्वेटोरियल में तो क्या नहीं मिलता, आप इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में जाएंगे कभी ये रहेगा यहाँ तो भालू नहीं आ सकता, लायन नहीं आ सकता, जेकॉल नहीं आ सकता, हाई नहीं आ सकता, ऐसा काउंट करते हैं? या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में आ सकते, यहाँ तो कुछ भी आ सकता है, है ना, एनाकोंडा भी आ सकता है, गॉडजिला भी आ सकता, सब आ सकता है, है ना? तो लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, दिस अ प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वैरायटी ऑफ एपिफाइट्स, अरे पेड़ है, सनलाइट नीचे आने नहीं दे रहा है, एपिफाइट को उड़ना, तो उसको तो कितना अच्छा मौका मिल गया बेल बना के ऊपर तक चले जाने का, है ना? तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। आर वी क्लियर?
Yes, no. Very good. Equatorial clear हुआ? कोई टेंशन, कोई मेंशन? हाँ, बढ़ावा पेंशन बताओ। अब क्या एनवायरमेंट में डर वर तो नहीं लग रहा है, ये बताइए। थोड़ा सा तो लगने लग गया होगा। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब अच्छा लग रहा है। अभी तक डर लगता था एनवायरमेंट इकोलॉजी से। चलो एक अच्छा, एक और अच्छा सा क्वेश्चन पूछते हैं। टेंशन वाली बातचीत ही नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये वाला क्वेश्चन 27th क्वेश्चन करिए। 27th क्वेश्चन करिए। देखिए करिए क्वेश्चन। B, the scientific view is that increase in global temperature should not exceed 2 degrees Celsius above the pre-industrial level. If the global temperature increases beyond 3 degrees Celsius above the pre-industrial level, what is the possible impact of on the world? ठीक है, क्या नुकसान हो सकता है? Terrestrial biosphere tends towards a net carbon source. Terrestrial biosphere tends towards a net carbon source. पता नहीं, हम कुछ देखते आ गए। वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर। बिल्कुल, कोरल रीफ तो वाइड स्प्रेड होंगे, मतलब मोर्टेलिटी होगी, कोरल रीफ पे तो इफेक्ट पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, तो कोरल रीफ की तो मोर्टेलिटी होगी, है ना? तो फर्स्ट तो नहीं होगा। All the global wetlands permanently disappear. सब permanently disappear हो गया क्या? बताओ, आप ही बताओ। अरे जब बर्फ होगी वो तो पिघल जाएगी, है ना? तो तीन तो हो नहीं सकता। ओहो, हमें तो फोर्थ वाले क्वेश्चन देख, ऑप्शन देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। Cultivation cereal will not be possible anywhere in the world. अच्छा जी, पतंजलि तो प्रोड्यूस कर ही लेगा, क्या दिक्कत है? कुछ भी हो जाए, है ना? तो आंसर विल बी बी। क्या आंसर क्या दिया हुआ है? अब देखो, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इज बी। ओ माय गॉड, आपने क्या बताया? बी। अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है,
इसका मतलब आप क्वेश्चन हो पा रहे हैं, डर तो नहीं लग रहा। अब ये तो नहीं लग रहा एनवायरनमेंट की स्पेसिफिक नॉलेज तो है ही नहीं हमको, है ना? ऐसा तो नहीं फील हो रहा ना, एनवायरनमेंट स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है हमको कि हम क्या करेंगे। हाँ जी, 21st क्वेश्चन देखिए। डी, ये पता था, देख लिया था आंसर। हाँ पता था, आंसर देख लिया था। ये बताओ, जी आप इसको कैसे करना है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। अच्छा, सदर्न सौराष्ट्र, आपको क्या लगता है गुजरात में एवरग्रीन फॉरेस्ट होगी? आपको क्या लगता है गुजरात में एवरग्रीन फॉरेस्ट होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एरिड और सेमी एरिड रीजन है ना? तो सौराष्ट्र हट गया, है ना? साउथ वेस्ट बंगाल, साउथ सदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वहां पर क्या चांसेस हैं? वहां पर आपको क्या लगता है फॉरेस्ट होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। कौन सी अवेलेबल नहीं होंगी आपकी? एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। मैंग्रोव्स दोनों में है, बात ध्यान रखिएगा। इस रीजन में भी मैंग्रोव्स है, इस रीजन में भी मैंग्रोव्स है, दोनों में मैंग्रोव्स है। और पता नहीं, आपने हो सकता है मैंग्रोव्स हटा दिया, मैंग्रोव नहीं मिलेंगे, लेकिन इन दोनों रीजन में मैंग्रोव है। नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, यहाँ भी मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स चारों जगह है। क्वेश्चन इज ओनली अबाउट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अंडमान एंड निकोबार में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और इनमें से कहीं भी एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है। सौराष्ट्र में तो डेसिडस भी नहीं है हर जगह पर। ओके, समझ में आया? यस नो, वेरी गुड। इसका मतलब ये वाले क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं, हम एनवायरमेंट को कर लेंगे, हम मन में बोलेंगे हाँ हाँ हम कर लेंगे, है ना? चलिए, अब हमने बायोम समझ लिया, टेरेस्ट्रियल रीजन हम लोग समझ चुके हैं, है ना? टेरेस्ट्रियल रीजन समझ चुके हैं। हम हमें इस धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं जो हम ना बता पाए इन्वायरमेंट इकोलॉजी में। अब बोलेंगे धरती के बाद अगला कहाँ कैप्चर करना है, हम कहेंगे हम पानी कैप्चर करते हैं, है ना? है ना? तो नाउ वी विल गोइंग टुवर्ड्स दी इक्वेटिक इकोसिस्टम। इक्वेटिक इकोसिस्टम जो है तीन चीजों पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमारा टेरेस्ट्रियल बायोम था वो किस किस चीजों पर, दो चीजों पर डिपेंड करता था। नाम बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन, ये तीन चीजों पर डिपेंड करा। पहला, अरे ओपन रीजन है कि क्लोज्ड रीजन है, लेक है कि ओशन है, रिवर है कि पॉन्ड है, ये सब चीजों पे डिपेंड करेगा, है ना? एक्वेटिक रीजन। दूसरा, कितना डीप है,
अरे जो स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं सबसे पहले पूछते हैं ना कितना डीप है, डीप किधर है, ये तो नहीं पूछते ना वहां जाके, यहाँ पे कौन से वाला बायोम है, उस स्विमिंग पूल नीचे कौन से पेड़ पौधे मिलेंगे, नहीं पूछते ना, डीप पूछते हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट डेप्थ। फिर हम पूछते हैं एज कैसी है, स्लोपी है या एकदम स्टीप है, एज पे भी तो डिपेंड करेगा। तो यानी कि योर एक्वेटिक इकोसिस्टम विल डिपेंड अपॉन थ्री थिंग्स, डेप्थ, ओपननेस एंड एजेस, एंड दैट इज व्हाई वहां पे जो डिटरमिनेशन होगा उसके लिए फैक्टर, डिटरमिनेंट फैक्टर होंगे चार, उसमें कौन से थे, बायोम में दो, ठीक है, बायोम में थे दो, सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे होंगे फोर, फर्स्ट इज सनलाइट, सेकेंड इज डिजोल्व ऑक्सीजन, थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी एंड फोर्थ इज द टेम्परेचर ऑफ वॉटर। सो योर एक्वेटिक इकोसिस्टम विल डिपेंड अपॉन फोर थिंग्स, सनलाइट, डेप्थ, ट्रांसपेरेंसी एंड टेम्परेचर। सबसे ज्यादा जरूरी है जो आपका टेम्परेचर एंड सनलाइट, क्योंकि डेप्थ पे तो सनलाइट वैसे ऑलरेडी खत्म हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो भी सनलाइट खत्म हो जाएगी, है ना। वेरी गुड। अब आपका जो एक्वेटिक रीजन होता है, इट इज डिवाइडेड इंटू टू रीजन, वन इज फोटिक रीजन एंड अदर इज एफोटिक रीजन। In the image itself, you can see that there are two regions. Littoral region क्या होता है? जहाँ पे एकदम से आपका aquatic system शुरू नहीं होता। आपका aquatic system यहाँ से शुरू होगा। यहाँ तक ही littoral region है। यहाँ पे mix of terrestrial and aquatic biome, यहाँ पे mix रहता है। ठीक है? That is why these are the most productive areas. अब water में क्या होगा? यहां तक सनलाइट आएगी, और जब सनलाइट आएगी तो यहां पे क्या हो सकता है, यहां पर होगा आपका फोटोसिंथेसिस। यहां पर आपकी सनलाइट नहीं आ रही, यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, खाली रेस्पिरेशन होगा। यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन यूज होगी, प्रोड्यूस नहीं होगी, यहां पे ऑक्सीजन यूज प्लस प्रोड्यूस दोनों, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन यूज प्लस प्रोड्यूस दोनों होगी, यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन यूज होगी। तो एफोटिक जोन में ओनली रेस्पिरेशन, फोटिक जोन में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ओके, समझ में आया? चलते हैं आगे। हम दूसरा क्या फीचर है, तो सेकंड फीचर इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अरे जहां अब फोटिक जोन खत्म हो गया, ऑक्सीजन तो आ नहीं रही है, तो यहां व्हाट ऑन व्हाट वी विल डिपेंड, अपॉन द डिसॉल्व्ड ठीक है, इफ द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मोर, इट मींस दैट एरिया विल हैव सर्टेन डिफिकल्टी इन द सर्वाइवल ऑफ दैट एक्वेटिक इकोसिस्टम। फिर हमारे पास आता है टेम्परेचर, ट्रांसपेरेंसी। देखिए जितना ट्रांसपेरेंट वाटर रहेगा वहां पे उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा। व्हाई? बिकॉज मोर ट्रांसपेरेंट वाटर, मोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट टू डीपर रीजंस। कम ट्रांसपेरेंट होगा तो ज्यादा डीप तक सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी, सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ओके, एंड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, देखिए हाई टेम्परेचर
अच्छा कौन सा पानी ज्यादा अच्छा होता है? एक्वेटिक में टेम्परेचर ज्यादा होना अच्छा होता है कम होना अच्छा होता है? एक्वेटिक में टेम्परेचर ज्यादा होना अच्छा होता है कम होना अच्छा होता है बताइए? एक्वेटिक में टेम्परेचर ज्यादा होना अच्छा होता है कम होना अच्छा होता है? नॉर्मल। नॉर्मल कैसे पता लगे? ऐसे कोनी डाल के देखेंगे नॉर्मल है कि नहीं है? कैसे पता लगा नॉर्मल? मतलब एक्वेटिक सिस्टम में टेम्परेचर चेंज होना ही चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना देना चाहिए। दैट वुड बी द बेस्ट वे, क्योंकि जो वहां की स्पीशीज है दे हैव वेरी लो टॉलरेंस फॉर टेम्परेचर चेंज। अगर एक हॉट वाटर या ल्यूकवॉर्म वाटर लेक है, ठीक है, ल्यूकवॉर्म वाटर लेक, वहां पर ठंडा पानी अगर मिलना शुरू हो जाए किसी फैक्ट्री से, इंडस्ट्रियल रीजन से, तो वो जो है रीजन पॉल्यूटेड हो जाएगा। अगर आप गर्म पानी मिला जाए तो भी पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो द टेम्परेचर शुड नॉट चेंज, दे हैव वेरी लो टॉलरेंस फॉर टेम्परेचर चेंज, ठीक है, ना ठंडा ना गर्म, ठीक है, वेरी गुड। अब हम समझाते हैं आपको स्पीशीज क्या होती है एक्वाटिक सिस्टम में, ठीक है। क्वेश्चन आने के चांसेस कम है लेकिन फिर भी जान। ये जो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, जो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं इनको बोलते हैं न्यूस्टन। ये जो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं इनको बोलते हैं न्यूस्टन, ठीक है। ये एयर और वाटर एक्सचेंज का जो रीजन होता है ना, यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है, ये यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूस्टन आर फाउंड इन द लिम्नेटिक जोन। दो जोन होते हैं, लिटोरल जोन आपको हमने पढ़ाई दिया था, अनदर इज लिम्नेटिक जोन, ठीक है, अदर इज द लिम्नेटिक जोन, जहां पर लिटोरल जोन से एक्वेटिक सिस्टम हम एंटर कर चुके हैं बट इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द एक्वेटिक जोन, ठीक है। न्यूस्टन, न्यूस्टन मतलब जो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, जो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, दीज आर द न्यूस्टन, ठीक है। दूसरा होता है नेक्टॉन, जो फास्ट स्विमिंग एनिमल्स या स्पीशीज जो भी होते हैं ना पानी के अंदर, पानी के अंदर जो फास्ट स्विमिंग स्पीशीज होते हैं उनको बोलते हैं नेक्टॉन्स, जो फास्ट स्विमिंग होते हैं उनको बोलते हैं नेक्टॉन्स, ठीक है। तीसरा होते हैं जो लिटोरल जोन में, विच आर हैविंग देयर रूट्स लिंक्ड टू द लिटोरल जोन एंड दे आर अंडर वाटर, जमीन से जुड़े होते हैं लिटोरल जोन में लेकिन पानी के अंदर होते हैं, इनको बोलते हैं पेरिफाइटन, इनको बोलते हैं पेरिफाइटन। और जो बिल्कुल नीचे जमीन में होते हैं, विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द लेक, उनको बोलते हैं बेंथोस, उनको बोलते हैं बेंथोस। अब जो एनिमल्स ऊपर ऊपर तैर रहे हैं उनको बोलेंगे जूप्लैंक्टन, और जो प्लांट्स ऊपर ऊपर तैर रहे हैं उनको बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन। जो एनिमल ऊपर ऊपर स्पीशीज में आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज में आ जाएंगे, उनको बोले जूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन, वो पेड़ जो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। नहीं समझ में आया कुछ भी? सब ऊपर से निकल गया ये आया, आया या ऊपर से निकल गया ये बताइए। लास्ट पॉइंट, अब देखो समझो, आपने एक एक्वेटिक रीजन देखा, उसमें जो ऊपर स्पीशीज है, जो भी ऊपर स्पीशीज है जो तैर रही है उनको हम क्या बोलेंगे? न्यूस्टन, ठीक है, उनको हम बोलेंगे न्यूस्टन, जो ऊपर ऊपर तैरते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलगे, एलगे तो देखा होगा लेक के ऊपर, एलगे काई जो जमी होती है, एलगे न्यूस्टन हो गया। फिर थोड़ा सा नीचे पेड़ होते हैं, कुछ पेड़ या ऑर्गेनिज्म होते हैं थोड़ा सा नीचे, वाटर की सरफेस से थोड़ा सा नीचे, नॉट ऑन द सरफेस बट थोड़ा सा नीचे होते हैं, ठीक है, उनको अगर वो एनिमल स्पीशीज में आ जाते हैं तो उनको बोलेंगे हम जूप्लैंक्टन, अगर वो प्लांट स्पीशीज में हो जाएंगे तो उनको बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। फिर उसी एक्वेटिक रीजन में कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं बहुत तेज स्विम करते हैं, फिशेज हो गई है ना, और एम्फीबियंस हो गए जो बहुत तेज स्विम करते हैं, उनको बोलेंगे नेक्टॉन्स, ठीक है। फिर बिल्कुल सरफेस पे कुछ प्लांट्स होंगे बिल्कुल सरफेस पे, उनको बोलेंगे बेंथोस, एंड स्लोप पे भी कुछ प्लांट्स होंगे उनको बोलेंगे पेरिफाइटन, तो स्लोप पे होंगे उनको बोलेंगे पेरिफाइटन, ठीक है, समझ में आ गया?
नहीं भी आए कोई बात नहीं, इतना डीप में नहीं पूछेंगे, ये पूछ सकते हैं लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन। तो जो आपके प्लैंकटन होते हैं कौन से जोन में पाए जाते हैं? लिम्नेटिक जोन, ठीक है, दे आर फाउंड इन लिम्नेटिक जोन, लिटोरल जोन में नहीं होते। ओके वेरी गुड, चलते हैं आगे अब, ठीक है। वही हमने आपको बताया तीन टाइप के जोन होते हैं, लिटोरल, नेरिटिक एंड ओशनिक, ठीक है, लिटोरल, नेरिटिक एंड ओशनिक। ओशन लेटरिक मतलब जो बीच का रीजन होता है, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो डीप वाटर्स थोड़ा सा, और एक बिल्कुल जो आपका अगर कोस्ट होती है तो इंटरटाइडल जोन, ठीक है, इंटरटाइडल जोन, जहां पे आपके मतलब पैर भीगते हैं, बाकी सब आप नहीं भीगते। पिक्चर में दिखाते ना जहां पे आप पैर गीले गीले करके चल रहे होते हो, है ना, दिखाते पिक्चर में, इमेजिन करते हो उनके साथ हम जाएंगे तो समुद्र में ऐसे वॉक करेंगे, वो इंटरटाइडल जोन। नेरेटिक जोन जहां पे आप उनको तैर के दिखाओगे, देखो हम कितनी सही स्विमिंग करते हैं, है ना। वेरी ओशनिक जोन जहां आप नहीं जाओगे, ठीक है, क्योंकि दिल का दरिया बह ही जाएगा फिर, नहीं जाना उधर। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ जोन, हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल। लिटोरल जोन आपको बता ही चुके हैं कि जो वो रीजन है जो आपका जहां पर सनलाइट भी होती है और ग्राउंड एरिया भी होता है, ठीक है, सनलाइट भी होती है, ग्राउंड एरिया, यानी कि पार्शियली सबमर्ज्ड रीजन ऑफ लैंड, इट इज द पार्शियली सबमर्ज्ड रीजन ऑफ लैंड। और हमने आपको ये भी बताया था लिटोरल जोन जो जोन है बहुत फर्टाइल होता है। क्यों होता है फर्टाइल? देखो डिसॉल्वड ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल होती है ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वाटर मोशन में होता है, बिल्कुल होता है, एंड अल्टरनेटिंग इंटरवल सबमर्जेंस एंड एक्सपोजर भी होता है, तो दिस इज द मोस्ट फर्टाइल। फिर आता है आपका नेरिटिक जोन। नेरिटिक जोन कौन सा होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन भी होती है, फोटिक यानी कि सनलाइट भी होती है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, ठीक है, सेफ ब्रीडिंग ग्राउंड यानी कि वहां पर लोग वॉक करते हुए नहीं जाएंगे उस उनकी स्पीशीज पे, ठीक है। अगर आप देखिए, आप खुद ही सोचिए, अगर आप इस रीजन में है तो यहां पर पैर रखने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ना, यहाँ पे जो डिस्टर्बेंसेस के चांसेस बहुत कम है फॉर द बायोलॉजिकल स्पीशीज, यहां पर डिस्टर्बेंस के चांसेस आर वेरी लेस कंपेयर टू दिस रीजन। लेकिन यहां पर सनलाइट भी आ रही है, यहां पर न्यूट्रिएंट्स भी है, और यहां पर इतना ज्यादा फ्लो भी तेज नहीं होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नेरोटिक जोन, नेरोटिक जोन, ठीक है, इट हैज हाई बायोडायवर्सिटी। फिर ओशनिक जोन वो तो डीप वाटर हो जाता है, ठीक है, यहां पर कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी कम डाइवर्स होता है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट तो क्या और कम हो जाता है, आपकी बायोडायवर्सिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। अब इकोसिस्टम, आपको जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है कितने टाइप के होते हैं? तो एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन बी ऑफ फोर टाइप्स। पहला लेक इकोसिस्टम, दूसरा वेटलैंड इकोसिस्टम, तीसरा एस्चुरी इकोसिस्टम, और चौथा कोरल रीफ इकोसिस्टम। लेक, वेटलैंड, एस्चुरी एंड कोरल रीफ। लेक, वेटलैंड, एस्चुरी एंड कोरल। अब आपका दो ऑप्शन है, अगर हैवी हो गया तो एक्वेटिक इकोसिस्टम कल पढ़ाएंगे, अगर लग रहा ना कोई फर्क नहीं पड़ता हम सब पर डालेंगे तो हम आगे बढ़ाएंगे, अभी आपके ऊपर है, अगर तो आज ही पढ़ाना है कल ही पढ़ाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं आज के लिए काफी ज्यादा होगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि आपके लिए बहुत हैवी हो गया आज, पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, अब वो आप ही बताओ कि नहीं ज्यादा नहीं हुआ तो हम तो पढ़ा देंगे, हमारा क्या है? बताओ, जनता जवाब चाहती है, कल करते हैं। हाँ पता लग रहा था कि आज बहुत हो गया, आज तो धरती समझ लो कल ही समझेंगे पानी की बातें, जल परे परे हम लोग कल बनेंगे, है ना। चलो कोई डाउट आउट हो तो बता दीजिए, बाकी कल करेंगे, लेक इकोसिस्टम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए हम अभी नहीं छेड़ना चाह रहे हैं, यूट्रोफिकेशन वगैरह इनसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ और कोई डाउट आउट हो तो बताओ। कि तुम लोगों को आदत हमारी पता है पढ़ाने की, सिर्फ सिलेबस खत्म करने के लिए हम पढ़ाते नहीं है,
पढ़ाएंगे सुकून से, और अब तो टाइम भी है ना, तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।